था, मेरा लड़का मोहम्मद रियाज ससुराल जा रहा था। आगे हमारी पुरानी कब्रें हैं उधर, वो एक आदमी ने जेसीपी दिखाया, नाम उसका अजय सिंह बिल्लू। तो वो लड़के मेरे ने, मोहम्मद रियाज ने मना किया, ये कब्रें हैं इनको मत अखाड़। उसने गाल मोहल की, पटाई भी की गई, 2-3 थप्पड़ भी मारे उसको। तो उसने फिर घर फोन किया, हमारी पूरी फैमिली चली आई वहाँ, आकर देखा तो उन्होंने कोई बात नहीं मानी। फिर पुराने एमएलए साहब ठाकुर रशपाल सिंह के भाई हमदीर सिंह, वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने गाली मोहाली निकाली, बोला कि क्या आपने यहाँ कोई पाकिस्तान बनाया हुआ है? अच्छा, हमने सोचा बड़ा आदमी आया है, ये फैसला करेगा। उसने कोई फैसला नहीं किया। उसके बाद 3-4 दिन गुजरने के बाद 27 तारीख शाम को सरपंच मोहम्मद खान और मेंबर अब्दुल रशीद पेंच, ये हमारे घर चले गए, खाना खाया, रात के 9-9:30 बजे वापस आए। फिर उन्होंने बोला कल एक जियारत है, टालियों की बावली उसको बोला जाता है, वहाँ मीटिंग रखी है 28 तारीख 4:30-5 बजे। मैं मुलाजिम हूँ सर, मैं ड्यूटी पे था, वापस चला गया, उधर रोका, रोककर उस जगह पे मीटिंग दी थी। मीटिंग हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर थी। उधर बैठे, मैं सभी बातें उनकी मान ली। मानने के बाद 3 बार में माफी मांगी, उन्होंने नहीं कोई बात मेरी मानी। मगर उनके साथ गुंडे ना, 7-8 लड़के जो ऐसा करते थे, मेरे लड़के को उधर ही कमेटी में कुछ 100 आदमी था, लड़के को किसी ने फोन कर दिया, तुझे आज पिटाई होगी, तू भाग जा। उसके पास बाइक थी, भाग गया। हम दोनों पकड़े गए, हम बाजू बांध लिए, सिर कटिंग करनी शुरू कर दी, थप्पड़ भी मारे हमको। फिर उसके बाद आधा आधा लीटर का पेंट का डब्बा काले रंग का हमारे ऊपर छिड़काया गया। फिर दो दो बूट हमें हार डाला गया, फिर मार्केट में घो गया। इतना जुल्म हमारे पर हुआ, क्या और कोई नहीं इधर रह सकता? मैं जम्मू कश्मीर का रहना, और मैं, मेरा प्यो दादा परदादा नक्कड़ दादा सियासी का रहने वाला है। हम भी उन्हें कोई वोट देते हैं, शुरू से ही उनके साथ रहे हैं हम, लेकिन आज हमारे साथ ये बात हुई है। बस हमें इंसाफ चाहिए, और धमकी भी दी उन्होंने, अगर आप पुलिस स्टेशन कहीं भी गए तो आपको मार दिया जाएगा। हम 2-3 दिन कहीं नहीं गए, लेकिन जब हमारे बड़े थोड़े आए, उन्होंने हमें हौसला दिया भी, आप जाओ, आपको कुछ नहीं होगा, आप जाओ पुलिस स्टेशन, ये उनका काम है। तो फिर हम 31 को गए कालाकोट, उधर एप्लीकेशन एक दिया था, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई उनकी, ना ही कुछ किया है। लेकिन और हमें बस डर, हमारी फैमिली है, हमारा रास्ता वगैरह सब भी उधर है, अगर हमें कुछ हुआ, हमारी फैमिली को कुछ नहीं हुआ, उसकी जिम्मेदार ये ठाकर्स और गवर्नमेंट होगी। हमें बस इंसाफ चाहिए, बस। कितने लोगों ने आपको पकड़ा है, कितने लोगों ने आपको ज्यादती किया है? सर वैसे तो एक्स एम एल सुभाष सिंह, उसके भाई थे छोटे, रमेश्वर नाम उनका, देश बोलते हैं, और अजय सिंह बिल्लू वो भी था, और उनके साथ गुंडागिरी थी, मतलब सर 100-150 आदमी था, लेकिन उनको 4-5-10 बंदे थे उसमें, जो उनके बीच में गुंडे रखे हुए हैं, जो ऐसे जो काम करते हैं उनको पकड़ के ऐसे मारते पीटते हैं उनको। तो बहुत केस उनके चल रहे हैं, अभी पर्चे लगे हुए हैं उनके ऊपर, उनको कोई पुलिस कुछ नहीं करती, ना पूछती है, करवाइए सर। है क्या आश्वासन क्या मिला पुलिस द्वारा, और क्या लगता है कि क्या अभी तक क्या कार्रवाई हो पाई उन लोगों से? अभी खुद कुछ नहीं हुआ सर। क्या लगता है क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? क्या पता सर क्यों नहीं कर रही, क्या पता, ये हमें नहीं पता क्यों नहीं कर रही, लेकिन हमने दिया एप्लीकेशन, कुछ नहीं हो सर, हमें बस इंसाफ चाहिए सर, बस हमारा फैसला होना चाहिए। अगर हमें कुछ, अगर वो ऐसा ही बोल रहे हैं, अगर हमारे किसी केस में 376 में कोई, मतलब हमारे घर में कहीं कोई रखते हैं कुछ, वो बोलते हैं आपके पास BDC गाना है, आपके घर मिलना चाहते हैं वो आप, हम तो अगर हम कुछ ऐसे केस में हम फंसे तो उनके जिम्मेवार यही होंगे, ठाकुर रणधीर सिंह वगैरह, उनका परिवार सारे। कोशिश भी की जा रही है हमको, हाँ बिल्कुल, अगर हम हमारे कुछ भी हुआ, हमारे बारूद वगैरह कुछ भी हुआ, ऐसा हुआ है कि उधर हमारे बल्ली में बाबू शीर है, उनका लड़का है असलम, अजी असलम नाम है उनका, उनको पकड़े, उन्होंने क्या किया, उस पिछले इलेक्शन में लड़ाई भी हुई थी उधर, उनके घास भी उनको आग लगाई थी, गाड़ी को भी आग लगाई थी, बड़ी मारपीट हुई थी, उसके बेटे को, एक लड़की को पकड़ के रखा हुआ था, उसके बेटे को पकड़े, उसके साथ फोटो खिंचवा कर उनको 376 के दम अंदर करवाएं, ऐसा भी कर रहे हैं वो, करते भी हैं। तो ये हमें कल कोई भी हमारे ऊपर कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार हो गए ये। हमारा एक ही घर है, बस एक ही घर है, बाकी सब हिंदू बरादरी है। हाँ सर, हमारा एक ही घर है।